गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज़ कार्तिकेश्वर पटेल, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। टुडे माय प्रेजेंटेशन न्यूक्लियस इज पटेल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे टू प्रेजेंटेशन इन हिंदी लैंग्वेज टू ऑल स्टूडेंट, सो स्टडी बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज आप लोग को केंद्रक के बारे में स्टडी कराऊंगा। न्यूक्लियस साइनोप्सिस, सबसे पहला हम अपने प्रेजेंटेशन में साइनोप्सिस तैयार करते हैं। साइनोप्सिस के आधार पर इनकी विशेष भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला चलते हैं साइनोप्सिस के आधार पर। पहला पॉइंट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन है उनका परिचय। आइए इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं न्यूक्लियस का। तो कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, तो साइटोप्लाज्मा में दबी हुई गोल या वृत्तकार, अंडाकार या स्तरीय नुमा या लंबी चपटी एक संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण न्यूक्लियस में ही होता है। इसी कारण ही इसे कंट्रोलर रूम भी कहा जाता है। साधारण एक कोशिका में केवल एक केंद्रक ही पाया जाता है इसे कोशिका, लेकिन कुछ कोशिकाओं में दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाएं जिसे इंग्लिश में बोला जाता है RBCs में केंद्रक पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसे अकेंद्रीकीय कहलाती है। कोशिका में केंद्रक का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था और बेलर नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक को अपने तरीके से परिभाषित करके दिया, जिन्हें हम अपने साइनोप्सिस के आधार पर डेफिनेशन में दे सकते हैं। तो डेफिनेशन दीज बेलर इन सेंटिक्स के माध्यम से दे सकते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्मा से घिरी हुई एक ऐसी रचना होती है जिसमें कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का उदय होता है। ये इनके डेफिनेशन में दे सकते हैं। इनके पास चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इनके स्ट्रक्चरों में किस प्रकार की इनकी रचनाएं होती है ये देखिए, मैं प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपरी भाग में जो दिए गए हैं इंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद देखिए आउटर न्यूक्लियर, ये इनके बाहरी आवरण पर लगा हुआ है, और इनके बाद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बाद दिया गया है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके जो अंदर के रूप में दिखाई दे रहे हैं हमें न्यूक्लियोप्लाज्मा, और इनके बाद न्यूक्लियोप्लाज्मा पोर। देखिए इसमें किस प्रकार इनकी रचनाएं को देखने को हमें मिलता है। इसमें हेट्रोक्रोमैटिन न्यूक्लियस राइबोसोम्स, ये इस प्रकार से इसकी विशेष आकृतियों का अध्ययन करने को मिलता है। इसके आधार पर हम
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में चलते हैं कि किस प्रकार इनकी संरचनाएं होती है। इनको बताने से पहले आप लोग को इनकी साइज मैं बता देता हूं कि केंद्रक का आकार के बारे में कुछ निश्चित नहीं। अभी तक वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका आकार कोशिका द्रव्य के बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि कोशिका द्रव्य का आयतन घटने पर घटता है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार केंद्रक के आकार को 1/1000 मिमी से 12 मिमी तक हो सकता है करके वैज्ञानिकों का मानना बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में इनके महत्वपूर्ण रूप से टू फेज इन एक्सप्लेन विद साइंटिस्ट इन फर्स्ट टॉपिक इन इंटरफेज जिसे हिंदी बोला जाता है अंतर अवस्था कहा जाता है, एवं दूसरा टॉपिक बताया गया है कोशिका विभाजन की प्रवस्था सेल ड्यूजन जिसे कहा जाता है। तो इंटरफेज दो क्रमिक विभाजनों के माध्य की प्रवस्था होती है। यह कोशिका की सर्वाधिक लंबी प्रवस्था होती है। केंद्रक की रचना का अध्ययन इसी इंटरफेज में किया जाता है। इंटरफेज में केंद्रक का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करने पर हमें इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है। चलिए इनके पहले टॉपिक पे अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय झिल्ली। यह केंद्रक के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली के रूप में होती है। इसे कैरियोथीक भी कहा जाता है। प्रत्येक झिल्ली लगभग 75 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटी इकाई होती है। इनकी मेम्ब्रेन के रूप में दोनों के बीच 100 से 300 एंगस्ट्रॉम खाली स्थान होती है, जिसे परिकेंद्रीय अवकांश भी कहा जाता है। नाभिकीय झिल्ली में जगह जगह पर लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के छिद्र पाए जाते हैं, जिसे नाभिकीय पोर कहा जाता है। नाभिकीय झिल्ली होती है जिससे कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य के बीच महत्वपूर्ण अणुओं का आदान प्रदान होता रहता है। और बाह्य झिल्ली पर कणों के रूप में राइबोसोम्स भी आगे होते हैं, लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन हमेशा चिकनी होती है। और बाह्य झिल्ली इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लॉजी का कॉम्प्लेक्स भी जुड़े होते हैं। ये इनके भागों के आधार पर इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अध्ययन करने को मिलता है। इनके बाद चलते हैं मैं सेकेंड टॉपिक पे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बी करके मैं दिया हूँ न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय द्रव्य। यह नाभिकीय झिल्ली के अंदर पारदर्शी अर्ध तरल कणिका युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसे कैरियोलिप भी कहा जाता है। यह प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों फास्फोरिक फास्फोरस एंजाइम्स और खनिज लवणों इत्यादि का बना होता है और कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। इनके बाद चलते हैं सी टॉपिक पे। सी है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट किसे कहेंगे, ये क्रोमैटिन नेट को हिंदी में बोला जाता है क्रोमैटिन जाल। इसके जाल बिखरा हुआ रहता है। इनमें चलते हैं, अभिरंजित कोशिका को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करने को हमें मिलता है कि कोशिकीय द्रव्य में अल्परंजित टेढ़े मेढ़े धागे के समान रचना देखने को मिलते हैं, जिसे क्रोमैटिन जाल या केंद्रक जालिका भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय इस जाल को
धागेनुमा तंतुमय रचनाएं क्षण के समान रचनाएं संघनित हो जाती है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये केंद्रकों के विभाजन के समय भी अपनी व्यक्तिगत को बनाए रखते हैं और इसी के आधार पर क्रोमैटिन जाल के रूप में पाए जाने वाले धागे के समान रचना वास्तविक क्रोमैटिन होती है। इनके आधार पर अगर हम देखते हैं जिनमें रासायनिक दृष्टि से एक प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, जिसमें न्यूक्लियो अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं। और क्षारीय प्रोटीन की बात करें तो विशेष रूप से हिस्टोन होते हैं जो क्षारीय अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के आधार पर इनका अध्ययन किया जा सकता है। समय के आधार पर गुणसूत्रों में रूपांतरित होता रहता है और वैज्ञानिकों का मानना है, कोन नामक वैज्ञानिक ने 1964 के अनुसार क्रोमैटिन केंद्रक का विश्राम अवस्था में देखने वाली एक रचना का अध्ययन किया जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाती है। इनके आधार पर इनके बाद एक टॉपिक है डी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक के अंदर एक बड़ा एवं गोलाकार कर्ण पाया जाता है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में अध्ययन किया था। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है उनमें केंद्रिका बड़ी संख्याओं में होती है, परंतु अन्य कोशिकाओं में यह आकार में छोटी या अनुपस्थित होती है। यह केंद्रक की उपस्थिति या स्थिति प्रायः निश्चित होती है। यह प्रायः क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से संबंधित होता रहता है। इनकी संख्या प्रजाति एवं क्रोमोसोम्स की संख्या पर निर्भर होती है। सामान्यतः क्रोमोसोम्स के प्रत्येक अगुणित सेट के लिए एक केंद्रक होते हैं। कुछ जीवों की बात करें जिसमें क्रोमोसोम्स के प्रत्येक अगुणित सेट के रूप में दो या अधिक केंद्रक भी हो सकती है। मनुष्य में प्रत्येक द्विगुणित केंद्रक में दो जोड़ी केंद्रक देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रिका का परिसंचरण। इनके आधार पर ये तो डायग्राम हो गया केंद्रक की सूक्ष्म संरचना के आधार पर इनका हमें अध्ययन करने को मिलता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का डायग्राम मैं यहाँ बनाया हुआ हूँ। केंद्रक की संरचना देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स देखने को मिलता है, रेन्यूलर प्रोटीन, फैब्रिलर प्रोटीन, आरएनए फैब्रिल्स, क्रोमैटिन प्रोटीन। ये केंद्रक की परिसंचरण की डायग्राम को देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन किया गया। डीरा बाल्टीज एवं सहयोगी ने 1971 में यह संरचना का विस्तार अध्ययन किया, जिनके आधार पर केंद्रक को चार भागों में देखा गया, जिनके आधार पर ए बी सी और डी ये चारों भागों के बारे में अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें प्रत्येक केंद्रक को चार भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग बताए गए हैं रेशेदार भाग जिसे फैब्रिलर रिंगना करके कहा जाता है। रेशेदार भाग रिंग कहा जाता है। इसके आधार पर चलते हैं ए, यह भाग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के तंतुओं का बना होता है। इसे न्यूक्लियो लेमा
भी कहते हैं। प्रत्येक तंतु की लंबाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद बी है ग्रेन्यूलर रिंग, इसे हिंदी में बोला जाता है दानेदार भाग, दानेदार भाग कहा जाता है। यह भाग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कणों का बना होता है और ये कण रेशेदार भाग के टूटने से बनते हैं। यह भाग के भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इनके बाद चलते हैं प्रोटीन रिंग। प्रोटीन रिंग में देखते हैं कि इनमें हिंदी में बोला जाता है प्रोटीन भाग। यह भाग प्रोटीन का बना होता है। यह केंद्रक के तरल भाग को सूचित करता है जिससे केंद्रिका के अन्य भाग स्थित होते हैं। और यहाँ पर डी देखते हैं जिसे क्रोमैटिन रिंग कहा जाता है। यह क्रोमैटिन के तंतुओं से निर्मित भाग होते हैं जिसमें डीएनए पाई जाती है। यह डीएनए आरएनए निर्माण के लिए ट्रिपलेट की भांति कार्य करते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्रोमैटिन एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन कहा जाता है। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन से कुछ पट्टी के समान ट्रिब्यूलरी निकले रहते हैं जिसे इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन कहते हैं। इसके आधार पर हम फंक्शनल ऑफ न्यूक्लियोल्स में देखते हैं जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रिका के कार्य। यहाँ पर उनके फंक्शन देखते हैं, उनके कार्य देखते हैं किस प्रकार होती है न्यूक्लियोल्स का। तो पहला अगर बात करते हैं तो यह आरएनए का संगठक या राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ये इनकी केंद्रिका का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह आरएनए का संग्रहण तथा राइबोसोम्स का निर्माण करता है और यह समसूत्री कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाती है। और बात करते हैं इनके, तो केंद्रक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को भेजने में एक माध्यम स्थान का कार्य करती है। चलते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में देखते हैं केंद्रक के कार्य। न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करते हैं तो इनमें यह कोशिका में पाई जाने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह भी कोशिका या कोशिकीय आरएनए का उत्पादन करता है जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। कोशिका वृद्धि को नियंत्रण भी करता है। न्यूक्लियस आनुवंशिक गुणों को वाहन करने वाले गुणसूत्र या जीन इसी में पाए जाते हैं जो इन गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। एक दिया हूँ मैं लास्ट में डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस इन न्यूक्लियोल्स में, ये क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका डिफरेंस, केंद्रक और केंद्रिका में अंतर बताइए करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग को कि दोनों में डिफरेंस अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप किस प्रकार उनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इन न्यूक्लियस, यह क्या होता है, यह समुच्ची यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें जीन संबंधी सूचना रहती है। दूसरा, यह दो झिल्लियों वाले एनवेलम से ढका होता है
तीसरा दे सकते हैं आप, यह कोशिका की संरचना वे कार्यों को नियंत्रण करता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स क्या है, यह केंद्रक का एक घटक होता है। और दे सकते हैं इसमें कई ढकने वाली झिल्ली नहीं पाई जाती। और दे सकते हैं इसमें यह राइबोसोमल उप इकाइयों का संश्लेषण करता है। ये न्यूक्लियोल्स में दे सकते हैं और न्यूक्लियस में मैं जो बताया हूँ उनको दे सकते हैं। इनके आधार पर आपको ये न्यूक्लियस को आप एक्सप्लेन करके दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट टुडे इन माय क्लास।